हेलो गाइज, दिस यू रिएक्शन चैनल पे मैं शिव प्रकाश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हम आ चुके हैं एक नया रिएक्शन लेकर के। मूवी का नाम है खुदा हाफिज़, जो कि खुदा हाफिज़ पार्ट वन विद्युत जामवाल की मूवी है, उसका पार्ट टू है। सो पहले हम ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि ट्रेलर कैसा है। ओके, लेट्स सी इट टुगेदर। पैनोरेमा स्टूडियो। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए ना, उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चल के बाहुबली बनते हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है अगर नरकिशोर मैं एक बच्चे के लिए ट्राई करें तो फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या हम नंदनी को अडॉप्ट कर सकते हैं? आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी छां बन गए। आज दोपहर लखनऊ के एक स्कूल के सामने से दो बच्चियां अगवा कर ली गई। अजीब बात है, आपकी बेटी को क्यों उठा के ले गए समझ में ही नहीं आ रहा है। नरगिस, तुम घबराना मत, मैं अपनी बच्ची को वापस ले आऊंगा। वो जो दो लड़की है उसका ठीक से माने खत्म कर दो और अलग अलग फेंक दो। इससे अच्छा मौका ना हमें मिलेगा। अब तो मैं खुश जाऊं, खुदा हाफिज है तुम्हारा। अभी भी वक्त है, कहीं खून खराबा देख के मन ना बदल जाए। मगर वो कहते हैं ना कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गुनाह। बेटी चाहिए बस। वाह, एक्चुअली खुदा हाफिज पार्ट टू अग्नि परीक्षा इसका नाम है। मुझे लगा था कुछ नया, मतलब स्टोरी चेंज करेंगे, बट लिटरली इन्होंने पार्ट टू को पार्ट टू की तरह ही बनाया है। स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में अपने प्यार के लिए चले गए थे विदेश में और जाकर के उनको बचा के अकेले वन मैन आर्मी। विद्युत जामवाल की मूवी की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वो वन मैन आर्मी की तरह जाते हैं और फिर अब सब जानते हैं कि होता क्या है लास्ट में, ठीक है। सो इस मूवी में जो नरगिस हैं, उनकी वाइफ, तो उनकी जो बेटी है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है, सो इसके लिए पूरी की पूरी इनको बचाने के लिए ये जो भी करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। बाकी मुझे विलन्स भी काफ़ी अच्छे लगे इस बार, इंडियन विलन्स है, लेट्स सी कैसा होगा, अच्छा ही होगा जो भी होगा। विद्युत जामवाल की मूवी है, एंड सबसे बड़ी बात है कि विद्युत जामवाल की मूवी इसलिए नहीं चलती है कि मतलब वो बहुत फेमस है कुछ। उनका सेम मेन उनकी मूवी चलने का रीजन है कि नेपोटिज्म, जो फर्स्ट पार्ट आई थी तो कुछ ज़्यादा ही नेपोटिज्म पे बवाल मचा हुआ था, और ये ऐसे एक्टर हैं जो बाहर से आए हैं, आउटसाइडर हैं, एंड आउटसाइडर की वजह से लोगों ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया था खुदा हाफिज़ फर्स्ट में। सो आप सब जानते हैं कि काफ़ी हिट मूवी थी वो, एंड बट सनक मूवी में थोड़ा सा नेपोटिज्म वाला मैटर थोड़ा सा शांत हो गया था, तो उसका मतलब वो मूवी कुछ खास हिट नहीं गई थी, हिट गई ही नहीं थी एक्चुअली। बट ये मूवी क्या है, कैसी होगी, ये तो डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर कि आप क्या विद्युत जामवाल के फ़ैन थिएटर में जाते हैं इनके देखने के नहीं जाते हैं, ये तो आपको पता चलेगा कुछ टाइम बाद, जब ये 8 जुलाई को जब मूवी रिलीज होगी। बट हाँ, मुझे तो सही लगा, मैं तो जाऊँगा, एंड आई होप कि आप सब भी जाएँ, क्योंकि विद्युत जामवाल जी को कि मेन चीज़ है कि उनकी मूवी में दो खासियत है, एक तो एक्शन, नो डाउट एक नंबर का एक्शन होता है, और दूसरी चीज़ है इमोशनल, तो इमोशनल टच काफ़ी ज़्यादा होता है उनकी मूवीज़ में। सो आई थिंक ये जो एक दो चीज़ों कॉम्बिनेशन को एक सही तरीके से वो
जिस स्टोरी को लिखा जाता है कि मूवीज की, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रेसिव वे में होता है। ऊपर से विशाल मिश्रा का गाना आपने सुना एक लाइन, तो मे भी दूसरे गाने भी आएंगे, तो जो कि बैक टू बैक मैं तो उसका वेट करूँगा और उसका रिएक्शन भी दूंगा। सो बाकी मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। आप कैसी लगी? आप ट्रेलर कैसा अच्छा लगा? मूवी कैसी होगी? मे भी अगर वक्त आया तो मैं इसका रिव्यू भी करूँगा, लेकिन खासकर तो रिएक्शन ही आना है मुझे, मेरा चैनल रिएक्शन का है। और हाँ, आप सबसे एक शिकायत है मेरी कि आप लोग कुछ सजेस्ट नहीं करते हो कि कुछ नई टॉप वीडियो आए जो मैं मिस कर दूँ, ना देख पाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैं किसका रिएक्शन दूँ नेक्स्ट। तो आप मुझे बताओ, मैं शिवप्रकाश शुक्ला पता करता हूँ कि आप सबके कमेंट्स को पढ़ूंगा और मे बी रिप्लाई भी करूँ, और ज़रूर आपके दिए हुए कमेंट्स का जो भी आप मूवी सजेस्ट करेंगे या कोई भी वीडियो, कोई 10-15 मिनट की वीडियो होंगी अच्छी होंगी, उस पर मैं रिएक्शन जरूर दूंगा। कि आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।